नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम PRDS के बारे में बात करने वाले हैं। PRDS क्या होता है? ये हमारा एक प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम स्टीम को प्रेशर कम करके और डी सुपरेट करना, मतलब उसका टेम्परेचर कम करके इसको यूटिलाइज करते हैं हमारे पूरे पावर प्लांट में, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है स्टीम की या हीटिंग की। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हमारे पास में एक बॉयलर होता है, हमारे पास में टरबाइन होता है और हमारे पास में जनरेटर होता है। तो जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम हम जनरेट करते हैं वो जाती है हमारी टरबाइन में वर्क डन करने के लिए। वर्क डन करने का मतलब यहाँ पर जो आपको जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करने के लिए जितना भी आपको यहाँ पर पावर चाहिए उस पावर को ये डिलीवर करता है। यहाँ से बॉयलर जो स्टीम है वो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में इस टरबाइन को देता है और ये टॉर्क की फॉर्म में जनरेटर को प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पर हम पावर को जनरेट कर सकें जनरेटर से। ठीक है, तो हमारा PRDS का हमारे पावर प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्री में क्या रोल है? तो यहाँ से जो हमारा बॉयलर है इससे जितनी भी स्टीम हमारी टरबाइन में जा रही है इस स्टीम के अलावा इस पूरे पावर प्लांट में जहाँ पर भी किसी भी तरीके की स्टीम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम इस हेडर में से कुछ स्टीम निकाल लेते हैं और उस स्टीम को निकाल करके उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर लेते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर लेते हैं। यानी PRDS यानी प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरेटिंग। डी सुपरेटिंग मतलब टेम्परेचर को कम कर लिया। अब ये हमारी जो PRDS है, प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरेटिंग जो सिस्टम है, ये हमारा हमारे पावर प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर भी हीट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। और साथ में ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है इसमें ये टरबाइन की जो सीलिंग होती है ये भी हम इससे मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारा PRDS सिस्टम पे कि ये PRDS सिस्टम हमको साइट पर कैसा दिखेगा या कैसा मिलेगा। तो हमारा जो PRDS सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा बॉयलर है, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये हमारा B4 बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर से यहाँ से सुपरहीटेड स्टीम है, इसका हेडर है जो कि टरबाइन की तरफ जा रहा था उससे हमने एक यहाँ पर लाइन ली है। ठीक है, इस लाइन से हमने यहाँ पर एक सिस्टम तैयार किया। सिस्टम तैयार किया मतलब एक हेडर तैयार किया और इस हेडर का जो प्रेशर है इस हेडर का प्रेशर और टेम्परेचर हमने कम कर दिया। कम कैसे किया? यहाँ से CP जो हमारा होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यहाँ से एक लाइन ली और यहाँ से हमने इस लाइन में हेडर में स्प्रे करा दिया जिससे कि इस हेडर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो प्रेशर हमने कम किया तो इसके लिए हमने यहाँ पे इस लाइन में वाल्व लगा रखे हैं। तीन वाल्व है, एक जो हमारी 30% वाल्व होता है, जो अगर कम रिक्वायरमेंट होती है तो ये 30% का जो वाल्व है वो हम ओपन करते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पे 100% का जो मेन वाल्व है वो ओपन करते हैं। और अगर फर्दर रिक्वायर्ड है, मान लो आपने इस हेडर से किसी दूसरी यूनिट को भी जो स्टीम है वो सप्लाई कर रखी है तो उसके लिए हम फिर बाईपास वाल्व भी हमें खोलना पड़ जाता है। तो बेसिकली हम इस सिस्टम में कर क्या रहे हैं, हम ये सिस्टम में कर ये रहे हैं कि हमारे बॉयलर से हमने कुछ स्टीम ली है, कुछ स्टीम का पार्ट लिया है और उस स्टीम को यहाँ पर जो बॉयलर के अंदर प्रेशर था, अगर हम सुपर क्रिटिकल की बात करें तो बॉयलर के अंदर यहाँ पे 260 बार के आसपास का प्रेशर रहता है और हम नॉर्मल यूनिट्स की बात करें तब भी आपका 100 से लेके यहाँ पर 260 बार तक का प्रेशर हम जनरली देखते हैं यूनिट्स के अंदर, 100 मेगावाट टू 660 मेगावाट की यूनिट्स के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो प्रेशर कम करने के लिए जो वाल्व्स लगा रखे हैं इन वाल्व की मदद से हम यहाँ पर प्रेशर कम कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये हमारा जो स्टीम है का जो हेडर है या PRDS हेडर जिसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं PRDS हेडर। इससे स्टीम कहाँ कहाँ जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर
हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी स्टीम के लिए यहाँ से इन्होंने जो सबसे पहला जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है एमपी स्टार्टअप। एमपी स्टार्टअप क्या होता है, जो हमारी बहुत पुरानी यूनिट्स हैं, अभी जो लेटेस्ट यूनिट जो टेक्नोलॉजी की आ रही है सुपर क्रिटिकल इंडिया के अंदर जो BHEL बना रहा है उसमें ये एमपी स्टार्टअप का सिस्टम नहीं है, लेकिन जो हमारी कोई पुरानी यूनिट्स हैं जिनके अंदर हमारा LP बाईपास और HP बाईपास सिस्टम नहीं होते हैं, उस सिस्टम में यहाँ पर हमारे को स्टार्टअप के लिए, MP स्टार्टअप के लिए जो हमारा IP टरबाइन है उसमें स्टीम डालने के लिए हम क्या करते हैं, PRDS से स्टीम लेते हैं और ये MP स्टार्टअप के लिए लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं मीडियम प्रेशर टरबाइन स्टार्टअप। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहला जो इसका डिलीवरी हेड था वो एमपी स्टार्टअप के लिए था। ठीक है, अब सेकंड की बात करें तो दूसरा जा रहा है इजेक्टर पर जा रहा है और HP ग्लैंड सील के लिए जा रहा है। तो अब मैं बता दूं, इजेक्टर आपकी पुरानी यूनिट्स में होते थे, जो बड़ी यूनिट्स है उसमें यहाँ पर हमारे पास में वैक्यूम पंप्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके की PRDS स्टीम की ज़रूरत नहीं रहती है। साथ में जा रहा है HP ग्लैंड सीलिंग के लिए। ठीक है, HP ग्लैंड सीलिंग हम अब भी करवाते हैं और हमारा जो टरबाइन है जब ये लाइटअप यूनिट जब हम करते हैं अंडर सिंक्रोनाइजेशन रहता है तब तक इसकी जो HP टरबाइन है उसकी ग्लैंड सीलिंग हम इससे करते हैं। हालांकि जो नई यूनिट्स हैं 660 MW की उनमें कॉमन हेडर रहता है और जो पुरानी यूनिट्स है उसके अंदर हमारा HP सीलिंग का हेडर अलग रहता है, LP का अलग रहता है। तो यहाँ पर HP सीलिंग के लिए जो हेडर जा रहा है आपका उसके लिए हम हाई टेम्परेचर लगभग 280 डिग्री सेंटीग्रेड और से लेकर लगभग 320 डिग्री सेंटीग्रेड ये सुपर क्रिटिकल हम मेंटेन करके रखते हैं HP सीलिंग के लिए। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से हम इसको मैनेज कर पाते हैं क्योंकि ये जो हेडर है इसका टेम्परेचर इसी रेंज में PRDS का रहता है और फर्दर अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसमें स्प्रे भी हम कर लेते हैं, जो कि CEP से एक स्प्रे की लाइन हमारे पास में ये आ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये होगी सेकेंड लाइन, ये है हमारी थर्ड लाइन जो कि जा रही है FO हीटिंग के लिए। FO हीटिंग क्या है, ये हमारा जो ऑयल रहता है जिस पे हम हमारे लाइटअप के टाइम या जब गन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉयलर में तो उसके लिए FO की जो लाइंस रहती है जो फ्यूल रहता है हमारा उसके लिए, ये फ्यूल ऑयल के लिए जो लाइन है वो है, ये फ्यूल ऑयल को हीट करने के लिए काम आता है ताकि जो फ्यूल ऑयल है वो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो जाए और वो जो इसकी जो अपने को वेपराइज कराते हैं इसको फ्यूल को, सॉरी इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम गन लेते हैं तो हमारा जो FO जो ऑयल रहता है ये हैवी ऑयल होता है, ये जनरली हाई टेम्परेचर पे ही हमारा इसका जो इग्निशन है वो प्रॉपर हो पाता है। तो इसके लिए हम इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करते हैं, 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करके रखते हैं। तो ये FO हीटिंग की लाइन है जो PRDS से ही जा रही है। फिर आ गई हमारी इंटरकनेक्शन की लाइन, मतलब किसी भी दूसरी यूनिट जो कि हमारी यूनिट के अलावा कोई दूसरी यूनिट है अगर उसको स्टीम की ज़रूरत है तो हम इससे सप्लाई भी कर सकते हैं और अगर हमें उस यूनिट से ज़रूरत है जब हमारी यूनिट लाइटअप में नहीं है तो हम वहाँ से सप्लाई स्टीम की ले भी सकते हैं इस हेडर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है स्केप। स्केप होता है हमारा सेकेंडरी एयर प्री हीट सिस्टम। जब हमारा बॉयलर लाइटअप करते हैं कोल्ड जो वेदर्स होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है जो हमारी सेकेंडरी एयर अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो हमारा जो ऑयल गन है वहाँ पर इग्निशन नहीं हो पाएगा ऑयल का और बॉयलर लाइटअप नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम स्केप का यूज़ करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी एयर बॉयलर में आ रही है उसको हीटअप करते हैं ताकि ये हमारी जो इग्निशन है ऑयल का वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद में आता है डिएरेटर हीटिंग। डिएरेटर हीटिंग की जो लाइन है उसके अंदर हम क्या करते हैं
यहां पर सबसे पहले पहला जब हमारा लाइटअप के टाइम पर डिएरेटर को जब आपको हीट करना रहता है तो हम यहाँ पीआरडीएस से इसके डिएरेटर की हीटिंग करते हैं। बाद में हम जो हमारा आईपी टरबाइन रहता है उससे एक्सटेंशन लेके भी हम हीटिंग करते हैं, लेकिन जनरली यहीं से करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा डिएरेटर पेगिंग, जो जनरल पेगिंग चलती है हमारी, जो जो कम मेगावाट्स की यूनिट रहती है, तो उसके अंदर आईपी से हम नहीं लेके, आईपी से ब्लीड नहीं करवा के हम डायरेक्ट जो पीआरडीएस से उसी से मेंटेन करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे को प्रेशर कम करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगेन और प्रेशर रिड्यूसिंग के लिए एक वाल्व लगा रहता है। और अगेन हमारे पास में यहाँ पर जो आगे फर्दर ये जाता है कम प्रेशर की लाइन, वो जाती है एलपी ग्लैंड के लिए। ये जा रही है लाइन एलपी ग्लैंड के लिए, उसमें टेम्परेचर फिर और कम चाहिए, तो फिर से हम सीपी से यहाँ पे स्प्रे करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा पीआरडीएस का सिस्टम रहता है। और इस पीआरडीएस के अलावा यहाँ पर हमारे को जो बड़ी जो यूनिट्स रहती है 660 मेगावाट की, उसमें जो हमारा टीडीबीएफपी लगा रहता है, टीडीबीएफपी टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी होता है, उसको भी हम यहाँ से स्टीम सप्लाई करते हैं। साथ में हमारे को मिल इनर्टिंग के लिए भी यहीं से सप्लाई हम पीआरडीएस से ही करते हैं। तो ये था हमारा पीआरडीएस सिस्टम। और पीआरडीएस के अंदर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती है पूरे प्लांट में किसी भी तरीके की स्टीम की, वो लगभग जो स्टीम है वो पीआरडीएस से ही सप्लाई होती है। बाकी जो स्टीम है उसका यूटिलाइज हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं टरबाइन के अंदर। थैंक यू।